हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। आप सभी को मैं बता दूँ, जियो के नए प्लान की प्राइस सामने आ चुकी है। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या नए प्राइस होने वाली है जियो के प्लान की। जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी ऑपरेटर की तरफ से जो उनके प्लान है, उनकी जो प्राइस है उसको चेंज किया जा रहा है, मतलब कि प्राइस को बढ़ाया जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पर जियो की तरफ से भी नया नोटिस आ चुका है, जिसमें उन्होंने अपने नए प्लान की प्राइस के बारे में बता दिया है। क्या क्या प्राइस होने वाली है आज इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ पर जियो फ़ोन के प्लान की। आप सभी को जियो फ़ोन के लिए एक प्लान दिया जाता था, उस प्लान की जो प्राइस है वो है 75 रुपीज़। जी हाँ, 75 रुपीज़ में आपको 28 डेज़ की वैलिडिटी मिल जाती थी। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ, अब इस प्लान की जो प्राइस है उसको चेंज कर दिया गया। अब आपको यही प्लान मिलेगा 91 रुपीज़ में। जी हाँ, 91 रुपीज़ में आपको सेम बेनिफिट के साथ जियो फ़ोन का प्लान मिलने वाला है। अगर मैं जहाँ पर बात करता हूँ अदर स्मार्टफोन प्लान की, तो उसमें भी जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे कि 129 रुपीज़ में आप सभी को स्मार्टफोन के लिए प्लान मिलता था, जिसमें आपको 28 डेज़ की वैलिडिटी मिलती थी। लेकिन अब इस प्लान की प्राइस को चेंज करके 155 रुपीज़ रख दिया गया। अगर मैं बेनिफिट की बात करता हूँ ना, तो बेनिफिट आपको सेम ही दिए जा रहे हैं जैसे आपको पहले मिलते थे, सेम बेनिफिट आपको अभी भी दिए जा रहे हैं। लेकिन प्लान की प्राइस को चेंज कर दिया गया है। आप जहाँ पर देख सकते हो 149 रुपीज़ वाला प्लान अब आपको मिलेगा 179 रुपीज़ में। 199 रुपीज़ वाला प्लान जो है वो अब आपको मिलेगा 239 रुपीज़ में। आप जहाँ पर देख सकते हो, सभी प्लान की लिस्ट आपको जहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर मैं जहाँ पर दोस्तों पॉपुलर प्लान की बात करता हूँ ना, जो कि आपको मिलता था 399 रुपीज़ में, जिसमें आपको पूरे 56 डेज़ की वैलिडिटी मिलती थी। 1.5 GB डाटा आपको रोज़ाना इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता था, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, और आपको रोज़ाना 100 SMS इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते थे। अब मैं आप सभी को बता दूँ, अब इस प्लान की जो प्राइस है ना वो रख दी गई है 479 रुपीज़ में। आपको ये प्लान मिलेगा। जी हाँ, आप जहाँ पर देख सकते हो 399 रुपीज़ वाला प्लान अब आपको 479 रुपीज़ में मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ आपको जहाँ पर सभी प्लान की डिटेल मिल जाएगी। और साथ में दोस्तों, अगर मैं जहाँ पर बात करता हूँ, जो आपको 555 रुपीज़ में प्लान मिलता था ना, अब आपको वहाँ पर 666 रुपीज़ पे करने होंगे, यानी कि 666 रुपीज़ पे करने होंगे 84 डेज़ के लिए। और साथ में दोस्तों, अगर मैं जहाँ पर पूरे एक साल भर वाले प्लान की बात करता हूँ, जिसमें आपको पूरे 365 डेज़ की वैलिडिटी मिलती थी, उसमें आपको पहले पे करने होते थे 2,399 रुपीज़, लेकिन अब आपको जहाँ पर पे करने होंगे 2,879 रुपीज़ आपको पे करने होंगे पूरे एक साल रुपीज़ वाले प्लान के लिए। तो आप जहाँ पर देख सकते हो, आपको जहाँ पर पहले से काफ़ी, मतलब जो पैसे हैं वो आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर मैं बात करता हूँ जहाँ पर एड ऑन पैक की, जो आप अपने मोबाइल नंबर पर बूस्टर पैक एक्टिवेट करवाते थे, उनकी क्या क्या प्राइस आपको पे करनी होगी। जो आपको 51 रुपीज़ में मिलता था ना, जिसमें आपको टोटल 6 GB डाटा इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता था, अब आपको जहाँ पर 61 रुपीज़ पे करने होंगे सेम बेनिफिट के लिए। 101 रुपीज़ वाला जो प्लान था, जो पैक था, उसके लिए अब आपको 121 रुपीज़ पे करने होंगे और आपको 12 GB डाटा आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। 251 रुपीज़ वाला जो पैक है वो अब आपको मिलेगा 301 रुपीज़ में, आपको जहाँ पर टोटल 50 GB डाटा इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। वैलिडिटी जहाँ पर आपको 30 दिनों के लिए दी जा रही है। तो आप जहाँ पर देख सकते हो, ये सभी नए प्लान आ चुके हैं जियो के। और ये जो नए प्लान की जो प्राइस है ना, वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। जब आप 1 दिसंबर को जियो का रिचार्ज एक्टिवेट करवाएंगे ना, तो आपको जहाँ पर नए प्राइस के साथ जहाँ पर आपको बेनिफिट दिए जाएंगे। अगर आप अभी जियो के नंबर पर रिचार्ज एक्टिवेट करवाएंगे ना, तो अभी भी आपको जहाँ पर पुराने प्राइस में ही जहाँ पर प्लान मिलने वाले हैं। तो अगर आप कोई एक साल वाला रिचार्ज करवाना चाहते हो एक्टिवेट, तो आप करवा सकते हो, वो आपको मिल जाएगा 2,399 रुपीज़ में। नहीं तो अगर आप 1 दिसंबर के बाद में करवाएंगे ना, तो वही पैक आपको मिलेगा 2,879 रुपीज़ में आपको मिलेगा। तो आप जहाँ पर देख सकते हो, अगर आप अभी बेनिफिट लेना चाहते हो, तो अभी आप रिचार्ज एक्टिवेट करवा सकते हो। 2-3 महीने का आप अपने जियो के नंबर पर एक्टिवेट करवा के रख लीजिएगा, अगर नहीं तो बाद में आपको काफ़ी महंगे ये पैक पड़ने वाले हैं। बेनिफिट की बात करता हूँ तो बेनिफिट सेम ही है। तो आप जहाँ पर देख सकते हो, सभी लिस्ट आपको जहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।